तो वैसे ही मार्च होती है। तो आप यूं कहें कि 23 मार्च लॉन्ग मार्च और वैसे भी ये तीन महीने मैंने पहले भी कहे थे बड़े आम हैं, इनमें तीन महीने में बहुत कुछ होने वाला है। या तो ये हुकूमत रहेगी या ये हुकूमत रहेगी तो इमरान खान होगा या नहीं होगा, इसी तीन महीने में फैसला करना है। गड़बड़ कुछ ज़्यादा है, हालात कुछ ख़राब होते नज़र आ रहे हैं और तीन महीने में शायद ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें कुछ ना कुछ राह निकल सकती है अपोजिशन और हुकूमत। तो ये बातें हैं। अगर माइनस वन है तो वैसे भी हमेशा माजी में भी ऐसे हुआ है कि दो दो प्राइम मिनिस्टर उसी टेन्योर में रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर के लिए डिसाइड किया जाए। हो सकता है कि इसी पार्टी में ही सही एक प्राइम मिनिस्टर हो, और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन हो सके। पहले पीडीएम तो कर चुका, तो तशक्कुस अपना है और एएनपी भी है हमारे साथ हैं। हमने तो अपना लोगों की बड़े इसरार पे, लोगों की डिमांड पे ये फैसला किया और सीईसी ने फैसला किया, तो अब तो धमाल लगेगी और धमाल भी ऐसे लगेगी कि कलंदर की धमाल, जिसमें मेरे ख्याल में कोई नहीं बचेगा। टाइमिंग बड़ी अहम है सर, आपने जो पीडीएम से पहले करने का फैसला किया, ये भी कोई मकसद होगा। मैं तो यही कह रहा हूँ, हम तो चाहते हैं कि मार्च में तक हो सकता है फरवरी के एंड में भी कुछ बात हो जाए।